तिथे गेला होता. ही वेंट देअर. ही वेंट देअर. तो तिथे जाणार आहे. ही विल गो देअर. ही विल गो देअर. तो तिथे जात आहे. ही इज गोइंग देअर. ही इज गोइंग देअर. राईट. ठीक है, ये 10-10 बार लिखना है सबको. ठीक है, चलो कल ठीक 5 बजे आना. बाय. हाय. हाँ निकल गई. हाँ निकल गई, निकल गई, निकल गई. अरे मेरी बात तो सुनेगी तूफान मेल? रास्ते से आते वक्त ना आधा केजी पनीर लेकर आना. हाँ ये निकल गई, तू बस चाय चढ़ा, चाय बनते ही मैं आ जाऊंगी. ठीक है. पूरी नौटंकी है. आरती, कभी आंटी को पता चल गया कि मैं यहाँ आता हूँ तो क्या, मेरा यहाँ आना बंद हो जाएगा? तुम पढ़ाना बच्चे को. हर अपराधी के अपराध करने के पीछे एक मोटिव होता है, प्यार, पैसा, बदला. लेकिन याद रखिए, जब कोई किसी चीज को गलत तरीके से हासिल करता है तो वो चीज उसके पास होकर भी उसकी नहीं होती. नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आज आपके सामने लाई हूँ एक केस जिसमें कुछ हासिल करने के लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी बिहार के एक छोटे से गांव तिलापुर में. सब खरीदारी बहुत अच्छे से हो गया, बस एक दामाद जी का अंगूठी रह गया है, कल वो भी ले लेंगे. अम्मा, हम मंजू के आ जाए. बुरा गई हो क्या? घर में कितने रिश्तेदार आए बैठे हैं, कल तुम्हारा मेहंदी है. प्लीज अम्मा, हम 10 मिनट में आ जाएंगे. चुपचाप से घर चलो, समझी? पता है 4 बज गए हैं, खड़े तो है छोटे वाले टीले के पीछे, अब नहीं कोई आया तो अब क्या करें? रखो रखो फोन, रखो, लगते आ गए. पूरे 5 लाख रुपए हैं. बिटिया को जल्दी छोड़ दीजिएगा, शादी है उसका. पूर्वा भैया का सलाम. ये वो वक्त था जब बिहार के टीलापुर में अपहरण और जबरन वसूली अपने चरम पर थी, और इस सब के पीछे एक नाम था, अमरीश पूर्वा उर्फ पूर्वा भैया, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर था. पूर्वा भैया के नाम पर पिछले एक दशक से बिहार में हर तरह के अपराध होते थे, लेकिन ये सिर्फ एक नाम था, अब तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था. राजेश भाव, उनको जानते हैं आप क्या? बहुत देर से घूर रहे हैं. क्यों भाई, क्यों आए हो यहाँ पे? भाऊ क्या हुआ, क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, तू अपना काम कर. सॉरी बाबू. आ गए आप? लाइट. प्रीति, पापा आ गए. चल अब तो किचन से बाहर आ जा, शाम से लगी हुई है. पापा. अरे मेरा बच्चा. पापा, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया. अच्छा, आपको पसंद है ना? अरे गाजर का हलवा इज माय फेवरेट. और आप मम्मी के हाथ का दाल चावल खा के भी परेशान हो गए होगे. तुझे कैसे पता? क्या बातें हो रही है बाप बेटी में? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम दाल चावल लाओ और तुम हलवा गरम करो. आज अजय दुकान तक आ गया था. देखिए मेरी बात सुनिए, हमें ना प्रीति के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढकर जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए. अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं हूं ना। अरे आप अभी तक नहाए नहीं? देखिए नाश्ता रेडी है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी कीजिए। दो मिनट हो गया। प्रीति, प्रीति कहाँ है? प्रीति कहाँ है? अरे प्रीति कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? पापा आप ठीक तो हो? कैसी हो प्रीति? तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, हमारा कोई लेना देना नहीं तुमसे। सुन लिया, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो। राजेश, कुछ नहीं हुआ है, इतना घबरा भी रहे हो तुम दोनों? हाँ चलो अपना काम करो। हेमा मेरा टिफिन तैयार करो, मैं तब तक नहा के आता हूँ। जी शाम को आते वक्त सुनार से गहने लेते आइएगा। हाँ हाँ ले आऊंगा। देखिए मैडम, यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपकी बेटी आरती 8 बजे तक थी यहाँ पर। इनफैक्ट एक लड़का भी था उसके साथ, खालिद खान, वो भी घर नहीं पहुंचा। शायद वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। आई खालिद बहुत अच्छा लड़का है, अब एक बार मिल तो लीजिए उससे। मैं उससे मिलकर क्या करूंगी आरती? 18 की हुई नहीं है कि तुझे शादी की पड़ी हुई है। दूसरे धर्म में तेरी शादी नहीं हो सकती और मेरा फैसला कभी नहीं बदलने वाला है। अच्छा आपने तो की थी ना अपने धर्म में शादी, तो क्या खुश थी आप? आरती प्लीज आई एक बार खालिद से मिल लो ना, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूँ। सिर्फ उसके धर्म की वजह से आप हमारे रिश्ते को मत ठुकराइए। संडे को बुला ले उसे, मगर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। बाबू 8:30 बज गए, मैं निकलता हूँ। हाँ तो दुकान बंद करके चले जाना, ठीक है? और हाँ सुन, वो सुबह सबसे पहले डिलीवरी मिश्रा जी की है। ओ बाबू। हाँ राजेश फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम्हारे पापा को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आई शपथ संग तो अगर वो हमारे प्यार के बीच में आए ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मम्मी हम पुलिस के पास चले क्या? पुलिस नहीं, हो सकता है पापा को कोई काम आ गया हो, हम थोड़ा और वेट करके देखते हैं। दरोगा जी आपको गलत सूचना मिली, वो देखिए हमारी बिटिया कितनी खुश लग रही है, कहीं से लगता है आपको कि इसका अपहरण हुआ था? हरीश जी आप तो समझदार आदमी लगते हैं, अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे आप सबको पूर्वा के खौफ से? दरोगा जी हम समझदार हैं, इसीलिए आपको सलाह दे रहे हैं कि अपनी शक्ति और समय को व्यर्थ मत करिए पुरवा भैया के पीछे। अरे एक दशक से किसी ने नहीं देखा उनको, अब तो बस नानी दादी की कहानियों जैसा हो गया उनका नाम, अब तो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं पुरवा भैया। लगा
नहीं सही, भागलपुर क्यों जाएंगे? वहाँ तो कोई है ही नहीं अब। इनके माँ बाप की पहले ही डेथ हो चुकी है और ये इकलौते हैं। पैसों का लेन देन या फिर प्रॉपर्टी का कोई मैटर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बाबू ने हमें दिया, उस दिन राजेश अपनी दुकान पर भूल गए। वो सुबह सबसे पहले डिलीवरी मिश्रा जी की है। हाँ सही, राजेश का ही फोन है। पर सर राजेश अपना फोन कभी नहीं भूलते। किसी औरत के साथ कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेश बहुत ही सीधे इंसान है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा, पुलिस फिर से आई है। हजार बार बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं, 10 साल से हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। देखो गायत्री, ये तुम भी जानती हो कि पूरे बिहार में आज भी पुरवा का आतंक है। अगर वो 10 साल से गायब है, उसे किसी ने देखा नहीं है, तो आज भी उसका इतना दबदबा कैसे है? तो वो आप पता कीजिए ना, पुलिस वाले तो आप हैं, हमें क्यों परेशान करते हो? हमारे लिए कब के मर चुके हैं वो। गायत्री, तुम्हारा घर कैसे चलता है? क्यों, सरकारी भत्ता दिलवाएंगे? लक्ष्मी चुप हो जा। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारी जिंदगी पहले से ही नर्क बन चुकी है, आप उसे और बदतर मत बनाइए। अब जाइए। ये सिंदूर लगाना बंद कर दो, जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। मैम, मैंने राजेश के मोबाइल को छान मारा, कुछ नहीं मिला। उसके स्कूटर का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फैमिली में कोई रंजिश? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और बेटी है, वाइफ हाउस वाइफ है और बेटी कॉलेज में पढ़ती है। 5 साल पहले ये लोग पुणे शिफ्ट हुए, इससे पहले भागलपुर बिहार में रहते थे। शिंदे, तुम भागलपुर पुलिस से कनेक्ट करो, हो सकता है राजेश वहाँ गया। जी मैम, लेकिन मैम हम इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? शिंदे, ऐसे समझ लो कि हम एक पत्नी को उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, नेशनल मिसिंग पोर्टल में राजेश की डिटेल्स दे दो। अरे पर बता तो क्या हो रहा है? अरे 2 मिनट बस। अरे अरे यार प्रीति छोड़ ना, बता क्या है। अरे बताओ तो। हेमा जी, शादी की सालगिरह की बधाई। जंगलामध्ये एक जळालेली डेड बॉडी सापडली आहे, जवळपासच्या पेट्रोलिंग टीम लवकरात लवकर पोहोचा। मॅडम कहाँ जा रही? मॅम कहाँ जा? मॅम वो मेरे पति की लाश नहीं हो सकती, और कोई मुझे लाश देखने क्यों नहीं दे रहा है? देखिए हेमा जी, फिलहाल आप शांत होइए और यहाँ बैठिए। बैठिए, मैं बता रही हूँ। देखिए हेमा जी, लाश पूरी तरह से जल चुकी है, उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरे पति की लाश है? ये देखिए, देखिए। मैम ये अंगूठी और ये स्कूटर तो राजेश का ही है, पर नहीं मैम, वो मर नहीं सकते, वो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप प्लीज उन्हें ढूंढिए मैम। देखिए हेमा जी, हम कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आप घर जाइए। साहब, मेरी बेटी 3 दिन से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। फोटो लाए हैं उसकी? हाँ शायद। कितनी उम्र होगी इसकी? 28 साल की है। मैम भागलपुर पुलिस से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ऐसी कोई फैमिली वहां नहीं रहती थी। वो लड़का बाबू जो राजेश की दुकान में काम करता था, उससे बात हुई? जी हाँ मैम, बाबू ने बताया कि 3 दिन पहले राजेश की दुकान पर एक आदमी आया था, शायद वो राजेश को धमकी भी दे रहा था। हालांकि बाबू ने ये सब कुछ सुना नहीं, लेकिन मैम मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहा हूँ, शायद कुछ दिख जाए। राजेश की वाइफ हेमा को भी बुलवा लो। शिंदे, मुझे इस परिवार की छोटी सी छोटी डिटेल्स भी चाहिए। और मैम, प्रीति के सैंपल भी मैंने भेज दिए, 2-3 दिन में DNA रिपोर्ट भी आ जाएगी। भैया जी, ये पुलिस लोगों ने ना फिर से सुनना शुरू कर दिया है। पुरवा उस तूफान का नाम है जो तबाही तो मचाता है, पर किसी के हाथ नहीं आता। टेंशन यहां कह रहे हो बे तुम, रिकवरी पे ध्यान दो। हेड कांस्टेबल हुआ करते थे उस वक्त हम इस थाने में, तब ये पुरवा भैया सिर्फ पुरवा हुआ करते थे, अमरीश पुरवा।
18-19 साल की उम्र में छोटी मोटी चोरी शुरू की थी, उसके बाद हफ्ता वसूली की। गायत्री से पुरवा भैया की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उसके बाद अपहरण, एक्सटॉर्शन, हाफ मर्डर, फिर हर चीज में पुरवा भैया का नाम आने लगा। और फिर 10 साल पहले अचानक गायब हो गया। 17-18 साल की नई नवेली दुल्हन लेके भागे थे, फिर दोनों हवा हो गए। उसके बाद ना पुरवा भैया का पता चला और ना ही उस औरत का। लेकिन इन 2-3 सालों में तो काफी नाम आ गया है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस आ गया है? पर पूरे गांव में कोई उसके खिलाफ कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हम एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसकी शक्ल तक हमें नहीं पता है। कल को हमारे बगल में बैठ के चाय पी रहा होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वैसे इस आदमी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ऐसा कैसे? जब पुरवा भैया कभी पकड़े ही नहीं गए तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा? ऐसा लगता है कि भागने से पहले अपना पूरा अस्तित्व मिटा दिया। पर कोई तो कमजोरी होगी इसकी। ए मुन्ना बेटा, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज ला के देगा? जी। रुक रुक रुक, और ये लो दोनों, और ललन को दे देना, और उसको बोलना कि कस्तूरी का हिसाब खत्म। तो नाक ही टेढ़ी है। ये वाला देखो, ना बुड्ढा लग रहा है। और नहीं तो क्या, इन पांचों में ये थोड़ा ठीक है, लेकिन ना बस 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 हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मिल गया लड़का और हो चुकी शादी। अरे तो क्या किसी ऐसे ही अरे-गरे को पसंद कर ले? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो, आप बाप बेटी ना मिलकर एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढो, ठीक है? और जब राजकुमार मिल जाए ना तो मुझे बता देना, मैं सच धज के तैयार होके शादी में आ जाऊंगी। रिपोर्ट तो देखिए, कब तक यूं ही पैसे भेजते रहेंगे? हाँ कब बंद होगा ये सब? हाँ मुझे पता है कि अचानक बंद नहीं कर सकते, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो वो अजय तो घर तक पहुंच गया है, हम कब तक दूर रख पाएंगे प्रीति को उससे? तो ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना हेमा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अजय को प्रीति से दूर रखना ये हमारा फैसला नहीं हो सकता, प्रीति को डिसाइड करना था। प्रीति का डीएनए बॉडी के डीएनए से मैच नहीं हुआ है, वो डेड बॉडी राजेश की नहीं है। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेरे पति की लाश नहीं है। बस करो मम्मी, बहुत हो गया, अब सच्चाई कबूल कर लो, पापा नहीं रहे। सर मम्मी ने दूसरी शादी की थी, मेरे बायोलॉजिकल फादर का नाम संतोष गुप्ता है। मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, शायद किसी मुसीबत में। प्लीज आप उन्हें ढूंढना बंद मत कीजिए। अच्छा आपकी और राजेश की शादी कब हुई थी? 5 साल पहले। और आप दोनों ही भागलपुर से नहीं है? जी मैं सासाराम से हूँ और ये भागलपुर के हैं। मेरा पहला पति संतोष मुझे और प्रीति हम दोनों को ही बहुत मारता था। राजेश की मिठाई की दुकान हमारे घर के सामने ही थी, वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। राजेश को हमारा दुख दर्द दिखता था, वो समझता था, इसीलिए हम उसके साथ भाग के यहाँ पूना आ गए। और ये संतोष कहाँ है अभी? ससाराम में। जी
परसों उसका भाई अजय यहाँ घर पे आया था। प्रीति, प्रीति कहाँ है? प्रीति कहाँ है? मतलब जिस दिन राजेश गायब हुए उसी दिन? हाँ, मैं अभी अजय को फोन करता हूँ। एक मिनट, आप अजय को कॉल मत कीजिए, आप बस उसका नंबर हमें दीजिए। और एक आखिरी सवाल है मुझे, क्या राजेश ने कहा था आपसे कि वो भागलपुर से? हाँ, क्यों? I'm really very sorry. अब एक हफ्ते पहले तो देखा था अंकल को, कितने खुश थे तुम्हारे रिजल्ट से। प्रीति, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे मम्मी से बात कर लेनी चाहिए। तुम सिर्फ अपना सोचते हो ना, मैंने पहले भी कहा था मम्मी पापा उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। प्रीति 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 I'm sorry, प्रीति। हमने अपने पुराने खबरियों को एक्टिव किया था, काम की खबर मिली है आपके लिए। वो औरत एक गांव में दिखी है जो पुरवा भैया के साथ भागी थी। और पुरवा? उसका पता नहीं, और उसके साथ एक बूढ़ी औरत रहती, हालत खस्ता है उनकी, लेकिन आजकल बहुत पैसे हैं उनके पास। कौन सा गांव है? यही बिहार का भीमापुर गांव। इतनी तेज आवाज बजा रखी है। अरे मम्मी, अरे क्या कर रही है? अरे मैं गिर जाऊंगी। पागल। तरुण बेटा, बेटा आरती कैसी है? तुमने उन्हें बताया कि मैं उनकी शादी के लिए तैयार हूँ, बस एक बार वो घर आ जाए। आंटी, मुझे सच में नहीं पता कि आरती और खालिद कहाँ गए हैं, उनका तो नंबर भी कल से बंद आ रहा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, खालिद तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तुम्हें तो पता होगा वो लोग कहाँ गए हैं। एक बार मेरी उनसे बात करा दो प्लीज। मैम, अजय जब से पुणे आया है उसके बाद से वो अपने गाँव गया ही नहीं। तो क्या अजय ने राजेश को मारा हो ताकि हेमा और प्रीति उसके भाई संतोष के पास वापस लौट जाएं? पॉसिबल है। संतोष से कोई बात हुई? जी नहीं मैम, 5 साल पहले संतोष ने सासाराम छोड़ दिया था हेमा और राजेश के भागने के बाद, तब से वो किसी के कांटेक्ट में नहीं। मैम, राजेश के फर्नीचर शॉप से घर तक के सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं। प्ले करो। मैंने ये कोथरूड रोड का फुटेज है, ये चांदनी चौक ब्रिज के पहले का फुटेज है, और ये पाषाण रोड का फुटेज है। मैम मतलब राजेश चांदनी चौक ब्रिज से सीधे प्रांजलि पाटिल नगर ना जाकर जहाँ उसका घर है राइट लेकर पाषाण की तरफ जाता है। क्यों? हो सकता है किसी ने मिलने बुलाया। पर किसने? उसकी कॉल डिटेल्स में तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। और बाबू ने भी बताया कि राजेश की दुकान पर उस दिन कोई मिलने नहीं आया था उसे। फिर राजेश पाषाण की तरफ क्यों गया? ठीक है, आज रात 9:30 बजे पाषाण में आ जाना, मैं दुकान से पैसे लेकर सीधा वहीं आ जाऊँ। क्या पापा को अजय चाचा ने मारा है? मेरे राजेश को कुछ नहीं हुआ है, तो खबरदार आगे से ऐसी बकवास की तो। हेमा जी, हमें सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आपके पति पाषाण गए थे। आपका कोई फैमिली फ्रेंड या कोई रिश्तेदार रहता है वहां पर? नहीं मैडम। किसी से मिलने वाले थे वहां पर, कुछ बताया था पहले आप? नहीं, मुझे तो हाँ, मेरे कुछ गहने दिए थे पॉलिश करने के लिए शिवनगर में, हो सकता है वही लेने गए हूँ। कितने गहने? जी, एक हार, 2 अंगूठियाँ और 1 जोड़ी इयररिंग्स। और राजेश जी गहने लेने जाने वाले, ये बात किस किस को पता थी? मुझे, प्रीति और राजेश को। ज्वेलर का नाम और नंबर? राजेश भाई, सब बराबर ना? सब बराबर। परसों आए थे राजेश, कितने बजे? यही कोई रात में 9:15 बजे। मतलब राजेश के पास ज्वेलरी थी, पर क्राइम लोकेशन पे तो हमें कोई ज्वेलरी नहीं मिली। हो सकता है ये मर्डर ज्वेलरी की वजह से ही हुआ। मैम, ये भी हो सकता है कि मर्डर करने वाले को ज्वेलरी के बारे में पता ना हो और मारने के बाद उसे ज्वेलरी मिली हो। शिंदे, एक काम करो, अलर्ट जारी करवा दो, आसपास के किसी भी ज्वेलर के पास अगर कोई ज्वेलरी बेचने आता है तो वो हमें इन्फॉर्म करे। जी मैम। मैम, ये हेमा के ज्वेलरी के कुछ फोटोग्राफ्स।
आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ ठीक है, लगा दो। हर महीने एक आदमी आता है, शायद वही पैसे देता है। पुरवा? लगता तो ऐसा ही है। तलाश में पुलिस को कुरियर से कैश भेजने के सिस्टम का पता चला, जिसके बाद पुलिस पहले कुरियर वाले लड़के और फिर उसके जरिए उस मोबाइल की दुकान तक पहुंची जहां से पैसे भेजे जाते थे। शर्मा जी, मुझे इस शॉप पर जाना पड़ेगा। पर सर, पुरवा भैया तो यहाँ है, मौका मिला है, हम छोड़ नहीं सकते। पुरवा को पकड़ने के लिए आप जाइए अपनी टीम लेकर। पर सर, हम कैसे जा सकते हैं, हम तो रिटायर्ड हैं। चिंता मत करिए, मैंने एसपी साहब से बात कर ली है। इस केस के लिए आपको स्पेशल अथॉरिटी मिली है, पेपर आज तैयार हो जाएंगे। मैम, बाबू ने जैसा बताया उस टाइमलाइन के हिसाब से। तो अजय पिछले 3 महीने से राजेश को धमकी दे रहा है और अब राजेश की डेड बॉडी मिली और अजय गायब। और मैम, सासाराम पुलिस से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अजय खुद संतोष को पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा है। और अजय का मानना है कि अगर संतोष दुखी होकर कहीं चला गया होता तो इन 5 सालों में एक बार तो जरूर कांटेक्ट करता उन लोगों को। हो सकता है हेमा की तरह संतोष ने भी दूसरी शादी कर ली। आपके लिए खाना लगा दूं? लेकिन जिंदगी में अगर वो मूव ऑन कर चुका है तो वो राजेश को क्यों मारेगा? मैम, इस लॉजिक से तो अजय के पास भी कोई मोटिव नहीं बनता राजेश को मारने। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह और हम इसमें फंसते ही चले जा रहे और हमारे एक ही किरदार गायब हो रहे। लाखों कोशिशों के बाद पुलिस के हाथ अब तक असली अपराधियों तक नहीं पहुंचे थे। कुछ नाम सामने आए थे लेकिन अभी कईयों के रंगमंच से पर्दा उठना बाकी था। क्या पुलिस राजेश मर्डर केस पर पड़ी धुंध हटा पाएगी? राजेश की फैमिली और वो अमरीश पूर्वा को कैसे और क्यों जानते थे? क्या पूर्वा भैया की तारें राजेश या हेमा के अतीत से जुड़ी हुई थी? इन सबसे अलग कोई और था जिसकी अपनी खोज ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम। नमस्ते। नमस्ते। मेरे बेटे का कुछ पता चला? मैडम, वो मिसिंग कंप्लेंट तो मैंने दर्ज की थी लेकिन लड़की बालिक है तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। क्या बालिक के साथ क्राइम नहीं हो सकता? और इस मिसिंग कंप्लेंट के बारे में इन्फॉर्म करना तुमने जरूरी नहीं समझा मुझे? वो क्या है ना मैडम, हर रोज इतने मिसिंग कंप्लेंट आते हैं और लड़की बालिक थी तो मुझे लगा शायद अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी। सारे मिसिंग कंप्लेंट प्रांजलि पाटिल नगर से तो नहीं आते ना, जहां का मर्डर केस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। I'm sorry मैडम। शिंदे, ये बरखा मिसिंग केस और राजेश मर्डर केस एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं? मैं बरखा की केस को स्टडी करता हूँ मैम।
मैम, मैंने बरखा के केस को स्टडी किया। बरखा और राजेश तिवारी का इंसिडेंट एक ही दिन हुआ है, 11 फरवरी। मैंने बरखा के CDR को भी चेक किया। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन प्रांजलि पाटिल नगर है और उसी रात 8:14 पर उसका फोन भी स्विच ऑफ हुआ। इस बरखा के कॉल रिकॉर्ड में राजेश का कोई कनेक्शन मिला? नहीं मैम, उसकी ज्यादातर बात उसके पिता और पति से होती थी और उसका पति औरंगाबाद में पोस्टर है। क्या कनेक्शन हो सकता है बरखा और राजेश के बीच? ये मोबाइल शॉप आपके ज्यूरिसडिक्शन में आती है। ये फुटेज एक सप्ताह पुरानी है। हमें इस औरत की तलाश है। ये? इसे तुम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी शादी के वक्त राजेश ने पूर्वा भैया से कुछ मदद ली थी, जिसके लिए हम पूर्वा भैया को आज तक पैसे भेजते आए हैं। कैसी मदद? सर ये तो मैं नहीं जानती, राजेश को ही पता होगा। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पति राजेश एक माफिया को पैसे भिजवाते हैं? आप पूर्वा के खिलाफ गवाही देंगी? गवाही? सर पूर्वा भैया ने हमारी मदद की थी और वैसे भी मैं ना पूर्वा भैया से कभी मिली हूँ ना उन्हें कभी देखा है। देखिए मैडम, मुझे ना इन सब में नहीं पड़ना है, मैं सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती हूँ। हेमा जी, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति राजेश को पूर्वा ने ही मारा हो। मेरे पति मरे नहीं है, और वैसे भी पूर्वा भैया उन्हें क्यों मारेंगे? हम उन्हें पैसे भेजने में कभी देरी नहीं करते हैं। आप लोग खुद मेरे पति को ढूंढ नहीं पा रहे ना, इसलिए बकवास बातें कर रहे हैं। मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। मैडम आपका पार्सल। पूर्वा के अरेस्ट होने के कितने चांसेस हैं? मैक्सिमम, लेकिन पूर्वा के खिलाफ ना हमारे पास कोई कंप्लेन है और ना ही कोई सबूत। इसलिए तो मैं बिहार से इतनी दूर आया था कि हेमा उसके खिलाफ बेझिझक गवाही दे देगी। सॉरी मिस्टर पंडित, मैं इस केस में आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। नो नो, इट्स ओके, यू हेल्प्ड अ लॉट। वैसे मैं इस केस के बारे में अपडेट देता रहूंगा आपको। थैंक यू। थैंक यू। अरे रमनीत भाई। हाँ? मुझे ये पिक लाके ये वाली डिजाइन बनानी है। हाँ हो जाएगा, आप दुकान पे आ जाइए। दुकान पे नहीं, यही करना है। आपका जो भी मेकिंग चार्ज होगा मैं डबल दूंगी। अगले शुक्रवार को आती हूँ। अबे पिछले 20 साल से पुलिस हमको ढूंढ रही है, लेकिन हमारा बाल तक नहीं मिला उनको। और सुनो, तुम्हारी हालत ज्यादा टाइट हो रही है, ज्यादा देर रख नहीं पाइएगा। तूफान का दूसरा नाम पुरवा है, कोई गवाह और सबूत है तो बताओ, वरना जाने दो हमको। ओ चाचा, अरे बहुत भूख लगी, एक काम करो, सिंघाड़ा और चटनी मंगाओ। तीखी वाली चटनी मंगाना, तीखी जल्दी मंगाओ, भूख लगी। बारका, टिप सही थी मैम, बरखा हमारी हिरासत में है और हेमा के गहने भी मिल गए। बरखा यहाँ मुंबई के कांदीवली एरिया में किसी आदमी के साथ रह रही है। कौन? अजय? अब अजय या संतोष ये तो पता नहीं मैम, क्योंकि बरखा अपना मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ रेड मारने जा रहा हूँ। कौन सा फ्लैट है? पुणे चलें? मुझे तुम बहुत पसंद हो, चलो शादी कर लेते। नहीं, अब मेरी उम्र शादी की नहीं है, आरती की है। अब मुझे उसकी शादी के बारे में सोचना है, अपनी नहीं। मतलब आरती की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो मिलना बंद कर दो मुझसे। अरे ना, सुनना बर्दाश्त नहीं है हमको। अरे सुनो तो राजेश। काकी, 1 किलो चावल और 1/2 किलो शक्कर।
तू शुरू हो रहा है या मैं मारना शुरू करूं? मुझे बरखा पसंद आ गई थी, मैंने अपना जाल फेंका और वो उसमें फंस गई। भागोगी मेरे साथ, शादी करोगी? पूर्वा भैया को पैसे क्यों भेजता था? आपको पूर्वा भैया के बारे में कैसे पता चला? तूने अतीत में जो कर्मकांड किए हैं उसका भुगतान तू आज भी कर रहा है। उसी के किश्त कुरियर करती तेरी बीवी सीसीटीवी कैमरे में देखेगी। अब बता किस बात के पैसे दे रही थी? हेमा पैसे देने क्यों गई थी? उसका इंतजाम तो हो रखा था। सब कहा है मेरे पति, बताइए ना कहा है वो? आइए। तू असली पुरवा नहीं है ना? कौन है असली पुरवा? कौन है असली पुरवा? मैं ही हूं अमरीश पुरवा। आरती को क्यों मारा? उसकी मां दामिनी ने मुझे ना बोला था। अमरीश पुरवा को कोई मना नहीं कर सकता। तू तो बरखा से प्यार करता था, उसी के साथ भागा था ना? दामिनी ने मना किया, क्या उसका इंतजार करने बैठता? आ गई दूसरी पसंद। दूसरी नहीं चौथी, सुनीता हेमा दामिनी बरखा तेरी पहली बीवियां तो आज भी तेरा इंतजार कर रही है। और वो सुनीता, वो तो आज भी तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है। वो लेडी कस्तूरी तेरी माँ है ना? हाँ, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया मुझे। और मैडम आप भी ये मत समझना कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। और आज भी मैं यहाँ जेल में बंद रहूंगा और वहां बिहार में मेरा खौफ बरकरार रहेगा। तू बहुत बड़ी गलत फहमी में पुरवा, तेरा नाम और तेरा वजूद दोनों मिट चुका है। और तेरी गैंग उसे भी बिहार पुलिस ने पकड़ लिया। और वहां जिसे तूने पुरवा बनाकर रखा था ना, वो गणेश, वो भी तेरी तरह जेल में सड़ रहा है। कानून तेरे किए कि जो सजा तुझे देना है वो देगा, लेकिन तू जेल में सड़ते हुए ये सोचते रहना जिंदगी भर कि जिन औरतों के साथ तूने जो खिलवाड़ किया ना, उन्हें ने तेरा खेल बिगाड़ा, उन्हीं की वजह से तू आज जेल में पहुंचा। और हाँ, आज एक औरत ने ही तुझे गिरफ्तार किया। तुम्हें ये तो पता ही था ना कि तुम्हारा पति राजेश तिवारी ही अमरीश पुरवा उर्फ पुरवा भैया है? पर क्या ये पता था कि वो तीसरी शादीशुदा औरत के साथ भागा है और उसने चौथी शादी कर ली? क्या राजेश गहने ले गए? ठीक है, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, पर शायद किसी मुसीबत में। प्लीज आप उन्हें ढूंढना बंद मत कीजिए। जब मुझे पता चला कि राजेश गहने ले गए थे तो मैं समझ गई थी कि मुझे भी सुनीता और गायत्री की तरह धोखा दिया है। इसीलिए जानबूझ के मैंने कुरियर से पूर्वा भैया के नाम के पैसे भिजवाए, सीसीटीवी में अपनी छकल दिखाई जानबूझ के, ताकि बिहार पुलिस पूर्वा भैया को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और राजेश की सच्चाई सबको पता चल जाए। एक अपराधी के साथ रहते रहते तुम्हारी सोच भी अपराधियों वाली हो गई है, और हम तुम्हें संतोष की मर्डर की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। क्यों मम्मी, क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरी अपनी प्रीति की सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास नहीं जाते ना, तो मैं ये सब कभी नहीं करती। मैं सुनीता या गायत्री नहीं हूं जो तुम्हारे बिना पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के तुम्हारा इंतजार करती रहूं। हेमा कहीं ना कहीं एक धोखा खाई हुई औरत थी जिसने राजेश उर्फ पूर्वा नाम के बीज को पुलिस की झोली में डाला था बदला लेने के लिए। हेमा सही थी या गलत ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसकी बदौलत बिहार से पूर्वा भैया नाम का खौफ खत्म हो गया था, और कहीं ना कहीं पूर्वा की बाकी पत्नियों को भी इंसाफ मिल गया जिनका इस्तेमाल वो अपने गलत कामों के लिए करता था। और इस सब में आरती को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसकी माँ दामिनी ने शादी करवाने से मना कर दिया था। एक दरिंदे की सनक में
एक माँ को अपनी बेटी को खोना पड़ा। अमरीश पूर्वा जैसे बहरूपी आप पर कहीं भी ताक रखे बैठे हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों का चुनाव आप जिंदगी में सोच समझ कर करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।